इस वक्त बैठे हुए हैं भलाई समाज के प्रदेश अध्यक्ष जी बाबू सिंह सोलंकी जी, वो भी बीजेपी से कार्यकर्ता हैं। उनसे जानेंगे कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, जो कि मध्य प्रदेश की सड़कों को अमेरिका की सड़कें का दर्जा दे चुके हैं, उसके बारे में इनका क्या कहना है। हमारे तो क्या समाज की विधायक रहे रंजीत सिंह जी गुणवान, 20 साल उन्होंने निकाले, 10 साल से अब ये रघुनाथ सिंह मालवी इसमें बीजेपी में बैठे हैं। शिवराज सिंह चौहान की उसमें गलती नहीं है, हमारे जो क्षेत्रीय विधायक है ये उनकी कमजोरी रही है। जो सिद्धिगंज और खाचरोद का जो रोड नहीं बना है, वे 22 किलोमीटर है वैसे धुराड़ा से सिद्धिगंज खाचरोद तक का, लेकिन इतने साल के प्रयास के बाद भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आपके यहाँ पर, भारतीय जनता पार्टी जो कि रंजीत सिंह गुणवान जी विधायक थे, पूर्व विधायक है, जिसने 15 साल राज किया और 20 साल राज किया और 20 सालों में 15 साल बीजेपी की सरकार रही, तो क्या बीजेपी की सरकार में उन्होंने कभी गुहार नहीं लगा इस रोड की? भारतीय जनता पार्टी का पूर्ण बहुमत सिद्धिगंज क्षेत्र से अधिकतर, और सिद्धिगंज प्रॉपर तो भारतीय जनता पार्टी के ही गाँव है, शामपुरा है, धुराड़ा, ये सब जो 8-10 गांव लगातार तो बीच भारतीय जनता पार्टी के हैं। और उसके बाद भी ना मालूम कहाँ कमी रही, कैसे कमी रही हमारी, तो ये लगता है कि भारतीय जनता पार्टी में जो हमारे विधायक रहे हैं ये उनकी महत्वपूर्ण कमजोरी उनकी देखने में मिली। आपको आपको क्या लगता है, अब रघुनाथ सिंह मालवी जी विधायक हैं, पहले भी विधायक रह चुके हैं, अब भी विधायक हैं, और मध्य प्रदेश में सरकार है कांग्रेस की, तो आपको क्या लगता है कि विधायक जी इस रोड को बनवा पाएंगे या सरकार से गुहार लगा पाएंगे? मुझे तो नहीं लगता, क्योंकि पहले भी वो विधायक रहे रघुनाथ सिंह मालवी, दूसरी बार फिर विधायक बने, 4 बार रंजीत सिंह गणवान विधायक रहे, ये तो उनका बस फॉर्मेलिटी रही और विधायक बने और बात खत्म। ये तो यहाँ हमारे सिद्धिगंज के सभी क्षेत्र के लोग बैठे, इनसे पूछ लो, मतलब ऐसी स्थिति है कि उन्होंने इस चीज़ के ऊपर जरा सा भी ध्यान नहीं दिया। अगर देते होते तो ये 10-12-15 किलोमीटर का रोड नहीं बन सकता था, लेकिन नहीं बना। कभी मुख्यमंत्री को बुलाने की कोशिश नहीं की, आज तक आस्था तक मुख्यमंत्री आए और चले गए, 5-10 बार आए और चले गए, लेकिन एक बार भी सिद्धिगंज क्षेत्र का दौरा। और फिर भारतीय जनता पार्टी के जो जवाबदार लोग हैं उन्होंने भी इस बात के ऊपर ध्यान दिया। हम लोग तो क्या है, भले ही समाज का हूँ, अधिकतर मैं तो सामूहिक विवाह सम्मेलन करता हूँ 20-22 वर्षों से, कन्याओं का विवाह निःशुल्क करता हूँ, और लगातार सामाजिक राजनीति में इतना कोई पावर नहीं, कोई पद नहीं, भारतीय जनता पार्टी में सदस्य हूँ। कभी समय मिलेगा तो इस बात को आपके माध्यम से या आपके चैनल के माध्यम से हमारी बात वहाँ तक पहुँचे कि 22 वर्षों से निरंतर हम समाज की कन्याओं का विवाह निःशुल्क करते हैं। इसमें 5-7 जाति के जोड़े हमारे पास हैं, सिद्धिगंज क्षेत्र के लोग सब भली भांति ये बात जानते हैं, लेकिन हमारा प्रयास है कि आपके माध्यम से आपको हम दिखाएंगे आज उस रोड की दशा, जिस रोड को आज मौत का अखाड़ा बना दिया गया है। देखते रहिए न्यूज़ इंडिया N9 पर, राजभवन मध्य प्रदेश।